तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल खबर लेकर। तरुण, स्वागत है आपका, बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को लेकर है। सरकार इसमें अपने हिस्से का विनिवेश करने का के बारे में सोच रही है। सरकार का यह मानना है कि बाकी डिफेंस कंपनीज़ में वो ऑलरेडी जो शेयर होल्डिंग है वो MPS मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा कर रही है। सिर्फ एक ही ये कंपनी बचती है, मझगांव डॉक, जिसमें जो हिस्सेदारी है वो 84% के आसपास है। तो तकरीबन 9% की हिस्सेदारी आने वाले समय में सरकार बेचेगी इस MPS को पूरा करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी चरणों में बेचने का प्लान है। इस पर सरकार ने ऑलरेडी बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यदि हम देखेंगे तो स्टॉक्स ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न पिछले एक साल में दिया है। करीबन 3.25 गुना ये स्टॉक हो गया है। तो अब सरकार ये चाहती है कि धीरे धीरे जो MPS के नॉर्म से उसको पूरा किया जाए। जो CPSE या PSBs हैं उन सभी में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसको दूर किया जाए। तो MPS एक बड़ा मुद्दा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से। तो इसको देखते हुए सरकार काफ़ी सख्त है और सरकार ने यह प्लान किया है कि जो 9% की हिस्सेदारी है उसको चरणों में बेचा जाए, लेकिन अगले कुछ महीनों के अंदर इस 9% की हिस्सेदारी को बाज़ार में बेचने का सरकार प्लान कर रही है। ओके, सरकार 9% हिस्सेदारी घटा सकती है, 84% से 75% लाने की तैयारी में मझगांव डॉक में। और अगर ऐसा होता तो थोड़ा ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा, और जाहिर सी बात है ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा तो थोड़ा स्टॉक में नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन सरकार अपनी 75% हिस्सेदारी लाने के लिए तैयार है इस वक्त मझगांव डॉक में, ये खबर आती दिख रही है। एक बार हमारे साथ अमरदेव सिंह भी हैं एंजल वन से। अमर, क्या आप ट्रैक करते हैं मझगांव डॉक को? आपसे एक राय लेना चाहता हूं, अगर सरकार की प्लानिंग है ऑफर फॉर सेल लाने की तो जिनके पास शेयर है क्या करें? देखिए, मझगांव डॉक ये सब जो स्टॉक्स हैं दे आर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, मतलब जो इसमें जिन्होंने भी पोजिशन ले रखा है वो ये सब स्टॉक्स में होल्ड करके उन्हें रहना चाहिए। बिकॉज जिस तरह की ये कंपनी है, जिस तरह की शिप बिल्डिंग में इन्होंने मतलब महारत हासिल की है, आने वाले समय में देयर विल बी ग्रोथ। बट यहाँ एक जरूर ये समझ के चलना चाहिए, बिकॉज स्टॉक की यदि हम लोग मूवमेंट देखें तो ऑलमोस्ट इस साल ही द स्टॉक फ्रॉम द लोस 700 के आसपास, 730-735 के लो से अभी 2022 चल रहा है। तो द स्टॉक हैज गिवन फिनोमिनल रिटर्न्स, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक है जिसे जरूर लोग पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। और ये एक स्टॉक है जहां फिलहाल अभी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, बट लॉन्ग टर्म में दिस इज द स्टॉक वन कैन डेफिनेटली हैव इन वन्स पोर्टफोलियो। परफेक्ट, तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखें। फिलहाल ऑफर फॉर सेल के चलते हो सकता है थोड़ा नीचे आए, लेकिन वो मौका होगा आपके लिए निवेश करने का।